करनाल में आज मंगलवार को आईजी एवं एसपी ने मिलकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उनके द्वारा लोगों को फूल के पौधे वितरित किए गए। आपको बता दें कि आईजी भारती अरोड़ा व एसपी गंगाराम पुनिया ने किसान रामजी जयमल के साथ मिलकर फूल के पौधे वितरित किए। कार्यक्रम का मकसद लोगों को फूल के पौधे लगाने के प्रति जागरूक करना था, साथ ही लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देना था। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि हमें प्रकृति के प्रति जागरूक होना चाहिए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करनाल रेंज के अंतर्गत फूलों की पौध तैयार की गई है, जिसमें फूलों की खेती करने वाले किसानों का भी योगदान है। उन्होंने कहा कि यह फूलों की पौध फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और करनाल में इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। प्रकृति को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बनाने में सहयोग दिया जा सकता है। कार्यक्रम में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया भी मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को प्रकृति एवं पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए जाने के लिए अपील की। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जी जयमन, एसपी करनाल श्री गंगाराम जी, एसपी कैथल श्री शशांक कुमार, हमारे यंग एएसपी पूजा वशिष्ठ, एएसपी समानता कुलदीप, अंडर ट्रेनिंग एएसपी एंड सिद्धांत, बीएमसी धीरज, यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथियों, हमारी राहगिरी की टीम, हमारी बार एसोसिएशन, हमारे सभी पत्रकार साथी, भाइयों और बहनों, ये एक नया तरीके का प्रोग्राम है। मैं भी पहली बार इस तरह के किसी प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हूँ। हरियाणा पुलिस का काम अलग तरीके का होता है, बिल्कुल अलग। अभी कल ही पिछले कई दिनों से एजिटेशन चल रही थी, पानीपत में काफ़ी एजिटेशन हुआ। अब आने वाले दो तीन दिन में और कुछ एजिटेशन होने वाली हैं। उसी के बीच कई तरह के अपराध, मर्डर्स, क्राइम, इस तरह की चीज़ों के बीच पुलिस काम करती है, हरियाणा पुलिस काम करती है। लेकिन आज उन सब चीज़ों से हटकर और उन सब चीज़ों के बीच में ही रहते हुए आज हम एक नया उत्सव मनाने जा रहे हैं, एक नया फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, जो है फ्लावर्स सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फूल क्या होते हैं? फूल हमें एक प्रेम का संदेश देते हैं, खूबसूरती का संदेश देते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, सिंबल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस एंड ब्यूटी। इस सब तनाव भरी जीवन में हर आदमी तनाव में जी रहा है। गुरु नानक देव जी कह गए, नानक दुखिया सब संसार। हर इंसान इस धरती पे जो है किसी ना किसी तनाव में किसी ना किसी दुख को झेल रहा है। तो इस तनाव से, इस दुख से बाहर निकलने का क्या तरीका है? क्या कोई तरीका है? गुरु नानक देव जी बता गए एक तरीका, लेकिन एक बहुत सुंदर तरीका जो हमारे डॉक्टर जयमल कर रहे हैं, पिछले 14 साल से जिस काम पे लगे हुए हैं, एक मिशन में लगे हुए हैं, मिशनरी मोड में वो काम कर रहे हैं। हमें ये सौभाग्य, हमारे लिए सौभाग्य की बात, फूल हो, इसका क्या मकसद है? केवल एक, कि हर घर में खुशी हो, हर घर में सुख हो, हर घर में आनंद हो। तो इसी मिशन को लेकर हमने शुरू किया है ये प्रोग्राम। इसका मकसद है टू स्प्रेड हैप्पीनेस, टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड ब्यूटी। लेट अस ऑल गेट टुगेदर, हम सब साथ मिलके इस खूबसूरती को, इस लव को, इस हैप्पीनेस को सब जगह स्प्रेड करें। हर घर में फूल हो, हर संस्था में फूल हो, वार्ड्स में, कोर्ट्स में, ऑफिस में। हमारे एएसपीज ने ये जिम्मेदारी ली है, करनाल रेंज के जितने एएसपीज हैं, अंडर ट्रेनिंग हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। हर पुलिस थाने में, हर पुलिस चौकी को हम फूलों से भर देंगे, फूलों की बगिया बना देंगे। इसके साथ साथ हर एसपी ने, हर पुलिस स्टेशन ने अपने गांव की एक ऐसी सड़क को चूज किया है जहां पे बहुत गंद का ढेर लगा हुआ है, उस सड़क को उन्होंने सफाई करके और उसकी सूरत बिल्कुल बदल देंगे, उसको फूलों से भर देंगे, उसको एक खूबसूरत जगह बना देंगे। कदम से कदम चलाते हुए इस उत्सव में आप भाग ले रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इन फूलों को आप बड़े प्रेम से लेके यहाँ से जाइए। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ मुफ्त मिलती है उसके हम वैल्यू नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इन फूलों को बड़े प्रेम से उगाया गया है। जयमल जी एक एक फूल की कीमत जानते हैं, एक एक फूल की कदर करते हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि एक एक जो बीज लगाया है, एक बीज एक रुपए का है और हमने यहाँ करोड़ों फूल लगाए, पौधे दिए हैं आपको, तो ये करोड़ों रुपये मैं आपसे वसूल करूंगा अगर आपने ये बीज ठीक तरह पैदा नहीं किए, उनको वैल्यू नहीं किया, अगर वो खराब हो गए तो हमें इनको करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि इन फूलों की कदर करिए, इनको
वैल्यू करिए, इन पौधों को यहाँ से आप लेके जाए और सब जगह स्प्रेड करें, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको फैमिलीज को, रिलेटिव्स को, सब जगह इन फूलों को आप वितरित करें। मुझे बताया गया कि इसके बाद के लिए लंच का भी यहाँ पे तो नहीं है कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं। प्रकृति माँ के लिए जो भी कोई कुछ करता है, ये मेरी जीवन का एक्सपीरियंस है, उसको वापिस 10 गुना करके लौटाती है। हमारा जीवन जितना उनके करीब रहेगा उतना ही अच्छा है। मैं समय मेरे को कम बताया गया था, मेरे ख्याल में मैं ज्यादा भावनाओं में बह गया हूँ। मैं अपने साथियों से, यहाँ एक लंबी टीम पिछले 6-7 सालों से हमसे जुड़ी है, उनमें सबसे पहला नाम है मास्टर महेंद्र खेड़ा जी। लेकिन अगर मजबूर किया गया, लोग नहीं माने तो हम नहीं चाहते, लेकिन हमारी तरफ से यही किया जाएगा, सख्ती से पेश आया जाएगा, फिर सख्ती से पेश आया जाएगा। लेकिन हमारा यही अपील है, किसानों से भी यही अपील है कि जो टकराव की स्थिति ना पैदा हो। शुक्रिया। कहते हैं एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जहाँ हम रहते हैं, जिन स्पेसेस में हम रहते हैं, उसका असर हमारे सोचने के तरीके पे होता है, हमारे रहने के तरीके पे होता है। जिस तरह हम सोचते हैं उस तरीके का हमारा व्यवहार होता है। तो अगर हम फूलों के बीच में रहेंगे, खूबसूरती के बीच में रहेंगे, तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, हमारे विचार भी सुंदर होंगे, हमारा रहन सहन भी सुंदर होगा और नेचुरली समाज में भी कुछ नहीं होगा। मैम, पानीपत के अंदर एक IPS अधिकारी और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी? मामला दर्ज हो चुका है, जैसा मैम 25-26-27 को किसान कूच कर रहे हैं, उसको लेकर क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? कुछ हिरासत में भी लिए गए हैं किसान? 25-26-27 को किसान कुछ करेंगे, जिनको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, दूसरी तरफ जाना नहीं दिया जाएगा और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न की जाए, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, प्रशासन तैयारी कर रहा है। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दिल्ली नहीं जाने के लिए। किसान हिरासत हम ख्याल नहीं रखेंगे, प्रकृति के साथ हम नहीं चलेंगे तो इसका हमें बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने पास में बहुत बार देखा है, तो प्रकृति से प्रेम करना और प्रकृति का पालन करना हम सबका कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य। आज करनाल रेंज पुलिस में हमारे सभी साथी के साथ मिलकर डॉक्टर रामजी जैन और हमारे सारे जो पार्टनर्स हैं, स्थानीय स्टेशन और नगर पालिका हैं, सबके साथ मिलकर प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ पर इसका मकसद है कि स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव, स्प्रेड। आज हमने करोड़ों की संख्या में पौधरोपण डॉक्टर रामजी ने मिले, हम तो उनको करनाल में विभिन्न जगहों पर इनको लगाया गया था। अब ये बहुत तैयार हो गए हैं, सैपलिंग्स तैयार हो गई हैं। इन सैपलिंग्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे करनाल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो करनाल के सभी वासी, करनाल के आसपास के कोई भी हर आदमी आमंत्रित है, पूरे हरियाणा के लोग आमंत्रित हैं, यहाँ की भी आना चाहते हैं, लोग यहाँ पर आए, इन पौधों को, इन पौध को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएँ और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ऑफिस प्लेसेस में, अपने क्वालिटी में, जहाँ चाहें आप, जितनी मर्जी चाहें आप यहाँ पर आए, हजारों की संख्या में बैठ करें, जाके आप जो कंडीशन है अच्छी तरह इसका पालन करें, जैसे हम करेंगे अच्छी तरह इन पौधों को आप फॉलो करें, ऐसे ही आप कुछ यही हमारा मकसद है। मैम आज से पहले 25 और 26 को दिल्ली की तरफ जाएंगे, इनको हम रोकेंगे, इनको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई सड़क पे रुकावट की स्थिति बन सकती है, तो ये निवेदन है ऐसा, और आपको बता भी दिया जाएगा कि इन रूट्स को आप अवॉइड करें, 26 तारीख को स्पेशली आप अवॉइड करें, हाईवे को ट्रैवल करना अवॉइड करें, अपने प्लान्स ऑल्टरनेटिव बनाएं, क्योंकि हो सकता है इस दिन में रुकावट आ सकती है, टकराव की स्थिति। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.